क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया अगर डी बराबर 20 है, डेन बराबर 48 है, तो डेनिम का कोड क्या होगा? सोचिएगा, समझिएगा और करिएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहां पे काम करें, डी बराबर 4 करते, देखो लॉजिक क्या लगाया गया है। अगर हम यहां पर डी इक्वल टू 4 लिख दें और ई इक्वल टू 5 लिख दें, तो 4 × 5 = 20। बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। आपने कहा सर अगर डी बराबर 4 यहां पे कर दें, ई बराबर 5 कर दें और एन बराबर 14 कर दें, तो 14 × 5 = 70 और 7 × 28 = 280, जबकि यहां पे 48 है। यानी ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब करेगा नहीं तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहला काम कि अगर हम यहां पर d इक्वल टू 4 कर दें और e इक्वल टू 5 कर दें, तो 5 × 4 = 9 होगा, और अगर 9 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। 9 × 2 = 18, 2 = 20। हम ये समझाना चाहते हैं कि इनकी जो नंबरिंग है ना, देखो d बराबर 4 है, ठीक, आपने 4 किया, e बराबर 5 और n बराबर 14। यहां पे 5 × 4 = 9 और 14 × 9 होता है, सबको जोड़ लो 23, और अगर हम 23 में 2 का गुणा करके 2 को ऐड करेंगे तो 23 × 2 = 46, 2 = 48, 48 राइट आंसर होगा। और यहां पे इसी प्रकार अगर ये 48 है तो डेनिम का कोड क्या होगा? एक छोटी सी बात सुनिएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 4, e इक्वल टू हो जाएगा 5, n इक्वल टू हो जाएगा 14, i इक्वल टू हो जाएगा 9 और m इक्वल टू हो जाएगा 13। और अगर हम इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो एक बात सुनिएगा, 5 × 4 = 9, 9 × 9 = 18, 18 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 18 × 10 = 28, 4 = 32, और 32 में अगर 13 जोड़ेंगे तो यह आएगा 45, और अगर हम 45 में 2 का गुणा करके 2 ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? 90, 2 = 92, और राइट आंसर आएगा 92। तो 92 हमारा ऑप्शन डी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होंगे? सबसे पहली बात एक सुनिएगा, यहां पे अगर हम देखें, इसमें केवल इतने में ध्यान दीजिएगा, अगर हम केवल इतने की बात करते हैं तो आपने बोला सर इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, तो एक ट्राइंगल आप सबको पता है, 3 ट्राइंगल इसमें होंगे, 4th ट्राइंगल ये, 5th ट्राइंगल ये, तो जब 5 इसमें होंगे तो 5 इसमें भी होंगे, तो 5 × 5 = 10, ये हो गया। 10 के बाद देखिएगा 11, 12 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आप लोग का 14, ये 15, ये 16, और अब देखिए ये आला जो होगा, जो बड़ा वाला है, तो यहां पे आ जाएगा ये 17 और ये जस्ट अपोजिट में आएगा 18, और टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 18। तो हमारा यहां पे जो सही जवाब होगा वो 18 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है? KDI = H। अब देखिए एक छोटी सी बात, KDH = 8 होता है, ठीक है, K = 11, D = 4 और I = 9। देखो लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, सबसे पहले अगर हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो यहां पर 11 × 4 = 15 और 15 में 9 जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 24। अब एक बात बताइए, 24 से 8 बनाना बड़ा आसान है, या तो हम एक काम करें यहां पे 3 का डिवाइड कर दें तो 3 × 8 = 24 आ जाएगा, ठीक है सर। अब बात आती है, आपने 3 का डिवाइड किया, क्या ये लॉजिक यहां पे काम कर रही है? अगर ये लॉजिक यहां पे काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरे मेथड को यूज करना होगा। P इक्वल टू हो जाएगा 16, V इक्वल टू हो जाएगा 22, D इक्वल टू हो जाएगा 4 और F इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है, 6 × 4 = 10, 10 में अगर 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। देखो भाई 6 × 4 = 10 हुआ और 22 × 10 = 32 होगा, और 32 में अगर हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 42 × 6 = 48, 48 आएगा, और अगर हम 48 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 16 आएगा, और 16 का मतलब P होता है, तो ये बताइए क्या आप लोग के ऑप्शन में कहीं P दिया है? आपने बोला यस सर, यहां पे दिया है P, यानी ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं, ठीक है, ये हो गया तर्क। धारणा क्या है? उपन्यास एकमात्र पढ़ने योग्य सामग्री है। अच्छा देखो, सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं, चलो भाई उपन्यास एकमात्र पढ़ने योग्य सामग्री है, क्या पढ़ने मात्र योग्य सामग्री जो है उपन्यास है एकमात्र? यहां पे ओनली की बात कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, कोई भी लड़की अन्य सामग्रियों को पढ़ना पसंद नहीं करती, ये भी गलत है भाई। बहुत सारी लड़कियां अलग अलग जो है आप लोग जो ग्रंथ है उनको पढ़ती है, जरूरी थोड़ी उपन्यास ही पढ़े,
तो भाई ये भी गलत हो गया। तो यहां पे जो होगा ना, ना पहला ना दूसरा, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो लॉजिक क्या लगाया गया है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, एक छोटी सी बात सुनिएगा बड़े आराम से, टेंशन लेना नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो ये हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, ये 9 हो गया, और इसमें अगर 3 घटा दे तो आ जाएगा 6। सुनिए हमारी बात, इसी प्रकार अगर हम, मेरी बात सुनते जाओ, हमारी बात सुनो, इन दोनों को आपने जोड़ा 5 4 9, 3 घटा दो 6, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 5 11 में से 3 8, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 में से 3 11, तो क्या हम लोग 11 और 8 को जोड़ेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो 19, 3 घटा दो 16, अगर 16 और 11 को जोड़ देंगे तो 16 और 11 जो होगा ये 27 होगा, और 27 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहां पे 24 आएगा, और 24 हमारा एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। अच्छा देखो 16 और 24 कितना होता है, आपने बोला सर 16 और 24 40 होगा, अगर 3 घटा देंगे तो 37 आएगा, तो राइट आंसर क्या है 24, और 24 का मतलब सर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉजिक बताइएगा। कोई जीव जबड़ा नहीं है, तो आपने बोला सर यहां पर कोई भी जो जीव है ना वो जबड़ा नहीं है, तो कोई जीव क्या नहीं है, कोई जीव जबड़ा नहीं है, तो ये जबड़ा नहीं है, ये हो गया, ठीक है, कोई भी जीव जबड़ा नहीं है। अगला कह रहा है कोई जबड़ा दांत नहीं है, कोई जबड़ा जो है ना वो दांत नहीं है, तो कोई भी जबड़ा दांत नहीं है। अगला कोई दांत गला नहीं है, कोई दांत जो है ये गला नहीं है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कोई गला जीभ नहीं है, कोई भी गला जो है ना वो जीभ नहीं है, इसको भाई इसमें कोई गला जीभ नहीं है। अब सुनिएगा कोई जीभ दांत नहीं है, क्या ये बात सही है, कोई जीभ दांत नहीं है, अरे भाई कोई जीव दांत नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, गलत है भाई, हो भी सकता है ना, इनके बीच तो मना ही है नहीं, गड़बड़ हो गया। अच्छा देखो कुछ जबड़ा गला है, कुछ जबड़ा गला है, कैसे गलत हो गया भाई, फिर कह गया कुछ गला के दांत होने की संभावना नहीं है, कुछ गला के दांत होने की संभावना नहीं है, तो यहां पे बोला गया कुछ गला के दांत होने की संभावना नहीं है, कुछ गले के, एक मिनट जो क्या बोला गया अगला, कोई गला जीव नहीं है, तो कोई गला जीव, अच्छा ठीक है कोई गला जीव नहीं, फिर कहा गया कुछ गला के दांत होने की संभावना है, कुछ गला के दांत होने की संभावना है, तो सर ये क्या है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही बोला था कोई दांत गला नहीं है, तो कोई दांत गला नहीं है, अब कह रहा है कुछ गला के दांत होने की संभावना है, बिल्कुल ही नहीं, तब तो सर ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ फॉलोस, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं और इनमें से एक बिल्कुल अलग छांटना है। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, आपने बोला सर ये बताओ WC हमने लिख दिया, ठीक है, और आपने लिख दिया 3 23, क्या कुछ बात समझ में आ रही है, C बराबर 3 W बराबर 23, अरे सर ये क्या कर रहे हो, हाँ यही किया जा रहा है। अब देखिए I के बराबर लिखा है तो K बराबर 11 और I बराबर 9, सर बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे तो 12 लिखा गया आप लोग के क्वेश्चन में, तो सर जो गलत होगा ना, पहले देख लेते आगे है क्या, HS है, यहां पे लिखा गया HS, तो S बराबर 19 और H बराबर 8, बिल्कुल सही है, और यहां पर है PH, तो H बराबर है 8 और P बराबर है 16, 816, तो आप लोग का जो बिल्कुल डिफरेंट है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा बिल्कुल अलग होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, कहा गया ट्रायंगल, आप देख रहे हो ये डायग्राम है, ट्रायंगल जो है ये वो व्यक्ति हैं जो कार रखते हैं, फिर आपसे कहा गया है स्क्वायर वो व्यक्ति हैं जिनके पास क्या है, घर है, कहा गया है सर्कल वो लोग हैं जो सोना रखते हैं, तो ये बताइएगा आपसे पूछा गया है कि इनमें से केवल एक यानी या तो उनके पास घर हो, या तो उनके पास कार हो, या तो उनके पास सोना हो, यानी तीनों चीज ना हो, केवल एक हो, किसी के पास घर, किसी के पास कार, किसी के पास सोना, तो बताओ ऐसे व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी है। जो ये पहला है ना, इन भाई के पास के पास केवल कार है, आपने बोला फर्स्ट, इनके पास केवल घर है, आपने बोला ये, इनके पास केवल सोना है, और अगर इन तीनों को आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी को हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बसरते सोचने की बात है, क्या करना है, लॉजिक क्या लग रहा है, एक छोटी सी बात ये बताइएगा, यहां पे इन चारों में क्या अलग है, ठीक है,
लॉजिक लगाइए, सोचिएगा और बताना इसमें क्या लग रहा है। एक छोटा सा पॉइंट ये है, एक दो तीन चार, ये चार हो जाएगा, एक दो तीन, ये तीन अल्फाबेट, चार का स्क्वायर 16, तीन का स्क्वायर 9, 16 9 25, बात समझ में आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आठ अल्फाबेट, एक दो तीन चार पांच छह, छह छह का स्क्वायर आठ का स्क्वायर 64 और 36 कितना होगा, 100 होगा। सर ये भी बिल्कुल सही है, एक जैसा है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच का स्क्वायर, और एक दो तीन चार, ये चार का स्क्वायर, 25 और 16 41 बिल्कुल सही है। अच्छा इसको देखो, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच का स्क्वायर, 36 और 25 जो होता है ना, जरा जोड़ लो भाई, 36 और 25 तो 6 5 11 3 2 5 1 6, लेकिन यहां पे तो 51 आ रहा है। सर ये तो हमारा है नहीं, तो अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी को हम लोग बिल्कुल राइट कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो भाई जो ये डायग्राम है ना, इन चार ऑप्शन में कहां पे हिडन है ये देखना है। देखो कहां पे हिडन है, क्या किया गया है, लॉजिक समझिएगा। ये डायग्राम जो है सोचना है डायग्राम, ठीक है भाई, बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या सही होना चाहिए। अगर डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है, डायग्राम भाई कितने बच्चों का आ रहा है ये क्वेश्चन डायग्राम वाला। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो इसमें तो कहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ये नीचे लाइन चाहिए, जबकि इसमें भी ये भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये तो बहुत छोटा है, ये होगा ही नहीं, यही सिंगल बसता है, ये ऐसे हो जाएगा, ये आप लोग का भाई ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये नीचे तक जा रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे चला गया, इसके बाद ये ऐसे गया है, ये आया है ऐसे, फिर ये नीचे गया है। अगर हम लोग इसको ऐसे पूरा कर दे तो ये हमारा बिल्कुल आ जाएगा, और यहां से जो आप लोग का आया है भाई बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम मिल रहा है ना, बिल्कुल सही डायग्राम है, ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम फॉलो कर रहा है। अच्छा इस लाइन को मिलाएंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है, इसमें क्या बन रहा है भाई, क्या करना है। ये डायग्राम जो है, एक तो पहले आप लोग का ये स्क्वायर बन गया, ये ऐसे आ गया, ये लाइन ऊपर गई, ये फिर ऊपर हुआ, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, ये यहां तक आ गया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसके बाद ये आप लोग का जो जाएगा ना, ये कहां तक जाएगा, क्या ऊपर तक जाएगा, ठीक है भाई ऊपर तक जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी एग्जैक्ट आंसर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, छोटी सी बात, ये बताओ Q बराबर 17 होता है, S बराबर 19 होता है, W बराबर 23 होता है, ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दहा में 230 हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा, ये तो करेंगे नहीं। अब बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, Q का अपोजिट होता है कितना, Z, Z बराबर होता है 10, H का अपोजिट होता है H, और H बराबर, देखो बच्चों हम यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहे हैं, Q का अपोजिट क्या हुआ, तो आपने बोला Q का अपोजिट हो जाएगा Z, S का हो जाएगा H और W का हो जाएगा D। अब एक बात बताओ, 10 ये, 8 ये और 4 ये, तो 800 का 32 और 10 कितना हो जाएगा आप लोग का 320, ठीक है, इसी प्रकार इनमें मल्टीप्लाई करा दो। सबसे पहले अपोजिट ले लो, तो Y का अपोजिट B होगा, U का अपोजिट F होगा, X का अपोजिट C होगा, B बराबर 2, F बराबर 6, C बराबर 3, तो यहां पर 6 × 18 दूनी 36 और राइट आंसर क्या आएगा, 36, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट भैया ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बड़े गौर से देखना और आंसर बताना होगा। हां भाई बिल्कुल, बड़े आराम से देखो लॉजिक क्या लग रहा है। 8 फ्रेंड है, आपने बोला जी सर 8 फ्रेंड हो गए भाई, 8 फ्रेंड हो गए, और अगर 8 फ्रेंड की बात करते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 एक वर्ग, देखो भाई वर्गाकार मेज की बात कर रहा है, वर्गाकार मेज, ठीक है, तो एक 8 फ्रेंड है और वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक वर्गाकार टेबल बना देंगे। चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, सब लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट ये बोल रहा आप लोग से, सुनिएगा बड़े गौर से, कहा गया है कि बी का फेस डी की ओर है, तो जो बी है ना इसका फेस डी की ओर है और वह ई के राइट है। ई के राइट कौन है? बी। देखो भाई क्या बोला है, बी फेसेस डी, बी का चेहरा डी की ओर है एंड सिट्स टू द राइट ऑफ ई, यानी जो बी है ना वो ई के राइट में बैठा है। बात समझ में आ गई होगी। हम ये कह रहे हैं बी का चेहरा डी की ओर है और वो बैठा है टू द राइट ऑफ ई के राइट में बैठा है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे ये कहा जा रहा है एफ जो डी का पड़ोसी है, एफ किसका पड़ोसी है? डी का पड़ोसी है, ठीक है भाई। एफ डी का पड़ोसी है जो जी की ओर देख रहा है, जो जी की ओर देख रहा है, बहुत बढ़िया। सी और एच के बीच, देखो भाई जो एक मिनट भाई, कहा गया एफ जो डी का पड़ोसी है, एफ डी का पड़ोसी है और जी की ओर देख रहा है, उसका फेस जी की ओर है, सी और एच के बीच दो व्यक्ति हैं। मान लेते हैं सी और एच के बीच कैसे दो व्यक्ति दिखाना है भाई। अगर हम यहां पे सी मान लें, ठीक है, सी और एच के बीच, तो एच और सी के बीच, सी और एच के बीच कितने लोग हैं? दो लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। सी और एच के बीच दो लोग हैं। फिर आपसे कहा गया है एच का फेस ई की ओर नहीं है, तो एच का फेस ई की ओर नहीं है, सी का फेस ई की ओर है लेकिन एच का नहीं है। आगे बचता कौन है? तो बचता है केवल अकेवल यहां पर बी, सॉरी बी हो चुका है, ए बचता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइएगा सी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो सी और एफ के बीच में जो बैठेगा ना वो बैठेगा डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां पे इस सीरीज में देखो भाई, मिसिंग फाइंड नंबर का क्वेश्चन है और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करना होगा। देखो लॉजिक क्या लग रहा है, अगर लॉजिक की बात करें तो यहां पे बड़ा प्यारा लॉजिक लग रहा है और इस लॉजिक को आप लोगों को बताना होगा। बोलो भाई लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम एक छोटी सी बात सुनना, अगर हम 13 में क्या करें, थोड़ा सा ध्यान देना है और बड़े गौर से देखना है। अगर हम यहां पे 6 में 7 जोड़ दें तो 13 होगा, आपने बोला जी सर। अगर हम यहां पे 13 में से 2 घटा दें 11 होगा, अगर 11 में फिर 7 जोड़ दें तो 18 होगा, और 18 में अगर 2 घटा दें तो यहां पर 16 होगा, और 16 बिल्कुल सही आंसर है। 16 में 7 जोड़ेंगे क्या 23 आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या 23 में 2 घटा देंगे 21 आएगा, यस। अगर 21 में हम लोग 7 जोड़ दे 28 होगा, और 28 में फिर से 2 घटा दे आ जाएगा 26। तो राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 16, और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहां पे आपसे कहा गया है ये चार आप लोग के, देखो भाई ये चार अंग्रेजी के शब्द है, सबसे पहले तो आप इनको सिक्वेंस में लिखोगे और लिखने के बाद इनका एक अर्थ होगा और जो बिल्कुल अलग होगा उसे छांटना है। हमको ये दिख रहा है भाई यहां पे कि ये लिखा है केमिस्ट्री, क्या लिखा है? केमिस्ट्री। आपने बोला ठीक है सर, ये केमिस्ट्री हो गई। अगर हम बात करें यहां पे केमिस्ट्री के बाद, ये फिजिक्स बन जा रहा है, ये फिजिक्स हो गया, और ये बायोलॉजी बन गया, यस सर ये बायोलॉजी हो गया है, और ये फिजिक्स हो गया है, फिजिक्स, ठीक है भाई, PHYSICS, ठीक है, बताइए फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री। अगर हम इसकी बात करते हैं इनमें ये क्या बनेगा, तो ये बन रहा है ट्रेवल। क्या बनेगा बच्चों, यहां से अगर बात करें तो ये ट्रेवल बन रहा है। और एक बात बताओ, ये तो सारे सब्जेक्ट हैं, अगर ये सारे ट्रेवल TRA, ठीक है भाई, TRAVEL, बहुत अच्छी बात है ट्रेवल। और अगर हम आप लोग से कहें कि ये सब सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, तो यहां पे अलग क्या होगा, ट्रेवल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यह बताना है कि मिसिंग नंबर यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पहला पॉइंट, इसमें एक का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, ना ना ऐसे होगा नहीं, चार का अंतर नहीं भाई, ये नहीं लॉजिक लग रहा है कि अल्टरनेट सीरीज है, एक चार, एक में तीन जोड़ा, चार चार में तीन जोड़ा, ये भी नहीं है, ठीक है ना, अल्टरनेट है ना ऐसे लग रहा है। अच्छा तो क्या लॉजिक लग रहा है, अच्छा हमको एक पॉइंट यहां पर समझ में आ रहा है कि अगर हम दो में से एक घटा दे तो एक बच रहा है, और यहां पे तीन में से एक घटा दे तो बचेगा दो, और अगर हम पांच में एक घटा दे आ जाएगा चार, और अगर हम यहां पे सात में एक घटा दे आ जाएगा छह, अगर हम यहां पे ग्यारह में एक घटा दे आ जाएगा दस, तेरह में एक घटा दे आ जाएगा बारह, सत्रह में एक घटा दे आ जाएगा सोलह, और यहां पे जो बन रहा है आप लोग का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम और क्या करें, क्या करें कि आंसर आ जाएगा, अगर हम यहां पे 19 में से एक घटा दे 18 आ जाएगा, 21 ना 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 22 के 23 में से एक घटा दो 22 आएगा, 29 में से एक घटा दो 28 आएगा, और यहां पर 31 में से एक घटा दो 30 आएगा, तो
तो आपको ये लग रहा है सर, देखो छोटी सी बात क्या है, सब में एक एक घटाया गया है और ये सभी प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, तो 31 के बाद आएगा 37 और 37 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 36, तो राइट आंसर आएगा 36, ए इज राइट आंसर, यानी प्राइम नंबर में से एक को लेस किया जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, देखो भाई अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये बराबर ये बराबर ये तो एनईसी का कोड क्या होगा, अच्छा भाई एनईसी बी बराबर 2 लेकिन आर ओ बी 3, ठीक है 2, 3, 1, 3, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो लॉजिक ये लग रहा है ना कि एक तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान ये देना है कि यहां पे जो किया जा रहा है थोड़ा लॉजिक को समझिएगा उसके बाद सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये जो पहला अल्फाबेट है ये तीसरे नंबर पे लिया गया है और जो दूसरा अल्फाबेट है इसको दूसरे शब्द में दूसरे स्थान पे दिया गया है, यानी पहले ये फिर ये, अब क्या किया गया है सर, जो तीसरा अल्फाबेट है इसको पहले स्थान पे किया गया, यानी सबसे पहले 3, 2, 1, ठीक है। इसी प्रकार जो इसका पहला है वो तीसरे पे किया गया है, दूसरे को दूसरे पर किया गया है और यहां पर तीसरे को पहले पर किया गया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइएगा अगर हम बात करते हैं पहले को तो पहला तीसरे पे होगा, आपने बोला सर यहां पे तीसरे पर कौन होगा, तो तीसरे पे होगा एन, ठीक है। अब देखिए यहां पे दूसरे पर क्या होगा, तो दूसरे पर ई होगा और आप लोग बोल रहे हो सर यहां पर सी कहां पे होगा, सी पहले पे होगा, तो अब आपको देखना है किसी ऑप्शन में लास्ट में एन, पहले तो बताओ तीसरे नंबर पे कहीं एन एन आ रहा है, ये तो है नहीं, इन तीनों में एन एन आ रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ बीच में कहीं दूसरे शब्द में बीच में ई आ रहा है, ई इसमें 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 नहीं, खत्म, इन दोनों में देखो तीसरे में सी है, तो बताओ भाई पहले में सी कहीं आ रहा है, इसमें हो नहीं रहा, केवल बचता है ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सभी गायक नर्तक हैं, आपसे ये कहा गया है सभी गायक क्या है, तो सभी गायक जो है ना ये नर्तक होंगे, सभी गायक क्या है, सभी गायक नर्तक हैं। अब देखो भाई क्या बोला गया, सभी गायक नर्तक प्लंबर नहीं है, अच्छा देखिएगा कोई भी नर्तक जो है वो क्या नहीं है, प्लंबर नहीं है, प्लंबर नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि कोई भी गायक प्लंबर नहीं है, ठीक है सुनो क्या बोला गया, कोई भी प्लंबर गायक नहीं, क्या कोई भी प्लंबर गायक नहीं है, कोई भी प्लंबर गायक नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर कहा गया कुछ गायक प्लंबर हैं, क्या कुछ गायक प्लंबर हैं, गलत बोल रहा है, कुछ नर्तक गायक हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है, केवल पहला तीसरा सही है और पहले तीसरे का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा क्या बोला गया है। यहां पे सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, करना यह है कि देखो भाई अगर आप 91 में से ना 10 घटा दो कितना आएगा 81, और 81 में से कितना घटा दिया जाए, अगर 81 में से 9 घटा दिया जाए तो यह आ जाएगा 72। लॉजिक अच्छा देखो भाई ये लॉजिक लग गया, अच्छा इनमें अगर 10 का अंतर लो, नहीं ये तो 73 लेकिन इसमें 9 का अंतर नहीं हो रहा है, इसमें 10 का अंतर नहीं, इसमें 10 का अंतर नहीं, इसमें 10 का नहीं, भाई ये तो लग ही नहीं, ये लॉजिक तो लग नहीं रहा है। अच्छा एक छोटी सी बात, अब देखना ये कि जो 10 आया वो आया कैसे है, तो आपने बोला सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक 10 बन जाएगा इसलिए 10 घटा दिया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 इसलिए 9 घटा दिया। तो एक बात बताइए अगर हम कहते हैं इन दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा 11, और अगर आप 83 में 11 घटाओगे, 83 में 10 गया बचता है 73 और एक घटाएंगे 72, ये तो लॉजिक होगा नहीं। अच्छा 78 में कितना घटाएंगे, तो 78 में जब आप 15 घटाओगे, ठीक है भाई इन दोनों को जोड़ो 8, 7, 15 कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, बहुत अच्छी बात है। अब 63 में कितना घटाएंगे, सॉरी अब करना क्या है ये, सॉरी इतना हो गया, अब लेस कितना करेंगे 63 में लेस करेंगे 9, तो 63 में जब 9 लेस करोगे कितना आएगा 3 ये और 6 ये, तो आ जाएगा 54, बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो सेट ऊपर कह रहा है सेम उसी को फॉलो कर रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईजी बराबर आरयू, जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही किसका इसके साथ होगा, बड़े गौर से क्वेश्चन को समझना और आंसर देना है। आप ये बोल रहे हो सर अगर आई बराबर 9 और जी बराबर 7, अब 9 और 7 से R बराबर 18 होता है, U बराबर 21 होता है, कैसे बनाएंगे, अगर 9 में 2 का गुणा कर दे 18 और 7 में 3 का गुणा कर दे 21, क्या वो लॉजिक यहां पे काम करेगा। बात तो ये है जो हमने ये किया है क्या वो लॉजिक यहां पे काम करेगा,
के बराबर 11, एच बराबर 8, और 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे आएगा 22, और 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 24, और 22 और 24 का मतलब होता है V और X, और हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा वी एक्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल से पहले का दिन गुरुवार, अब सोचोगे कल से पहले गुरुवार तो भाई शुक्रवार के पहले गुरुवार, तो आज दिन कौन सा होगा, शनिवार, तभी तो कह रहा। मान लो अगर आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो कहा गया कल से, कहा गया है यदि कल से पहले यानी शुक्रवार, आज शनिवार है तो शुक्रवार से पहले का दिन क्या था, गुरुवार था, तो रविवार कब होगा, हम जब शनिवार पे खड़े हैं तभी तो ये लैंग्वेज बोल रहे ना, यदि कल से पहले का दिन, यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो ये बताइए रविवार कब होगा, बोलोगे टुमारो, आने वाले कल पे होगा, तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, देखो भाई इनमें से आप लोगों को सही सीक्वेंस लगाना है। अब देखो सही सीक्वेंस तो आप ही लोग लगाओगे, बताओ क्या आंसर आएगा, एम से एम गया, ई से ई गया, TH TH TR, बिल्कुल सही, रुक जाओ भाई, सबसे पहले H है, TH है, TR है, TR तो लास्ट में आएगा, और LO है, LO, T से भी पहले क्या आएगा, आप लोग समझ गए सर, T से पहले तो LO आएगा, नहीं पांच सब में आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है भाई, इसकी कहानी खत्म हो गई। अच्छा TH TH ये O है, ये A है, तो यहां पर पहले दो फिर एक, यानी इनकी भी कहानी खत्म है। MT यहां पे सॉरी TR ये आई है, तो आई पहले आएगा, तो यहां पर तीन उसके बाद चार, क्या 521-34 किसी ऑप्शन में है, आपने बोला ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, देखो भाई जहां पे किस ऑप्शन को रखें कि ये बैलेंस हो जाए, सुनिएगा भाई, अगर हम जहां पे आप लोग का सुनिएगा मल्टीप्लाई है ना, वहां पे माइनस कर दें, और जहां माइनस है वहां पे मल्टीप्लाई कर दें, बताइए क्या सही होगा, यहां पे तो 6 हो जाएगा, 6×4=36 प्लस 4×2=8, बिल्कुल गलत, होगा ही नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई, और जहां मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस, 2×6=12 प्लस का 6×4=24 माइनस 2, ये भी नहीं होगा भाई, खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, ये गलत ये गलत। अब बात करते हैं सी और डी की, सी में क्या बोल रहा है, जहां पे प्लस है वहां पे डिवाइड कर दीजिए, और जहां डिवाइड है वहां पे प्लस कर दीजिए, यहां पे 12 प्लस 2 गोड़े 6 और 1/4 माइनस का 2, अगर हम काटे तो 2×2=4, 2×3=6, यहां पे 12×3=15 और 15 में से 2 घटा देंगे 13, तो 13×13, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला, 6 लड़कियां नॉर्थ में फेस कर, देखो भाई 6 लड़कियां उत्तर की ओर देख रही है, नविका सीमा के बाईं ओर बैठी है, जो नविका है ना, नविका वो सीमा के किधर बैठी है, सीमा के बाईं ओर बैठी है, नविका जो है वो लेफ्ट साइड बैठी, नविका सीमा के लेफ्ट में बैठी है, तो सीमा के लेफ्ट में कौन बैठा है, सीमा के लेफ्ट में नविका बैठी, नविका सीमा के लेफ्ट में बैठी है। अब सुनिएगा, जिसका पड़ोसी शबनम है, जिसका पड़ोसी क्या है, शबनम है, किसकी पड़ोसी शबनम है, नविका सीमा के बाईं ओर बैठी है, जिसकी पड़ोसी शबनम है, तो सीमा की पड़ोसी कौन है, शबनम है, ठीक है, ये शबनम हो गया। आप देखिए आगे क्या बोला गया है, आपसे कहा गया हीमा पंक्ति के एक छोर पर बैठी है, लेकिन शबनम रूप, लेकिन शबनम नहीं, हीमा पंक्ति के एक छोर पर बैठी है, लेकिन शबनम नहीं, ठीक है, हीमा पंक्ति के एक छोर पर बैठी है, तो हीमा को यहां बैठा देंगे, हीमा पंक्ति के एक छोर पर बैठी लेकिन शबनम नहीं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर कहा गया है लेकिन शबनम नहीं, आगे रूपाली विनीता और नविका के बीच में बैठी है, जो रूपाली है ना वो विनीता और नविता के बीच, नविका और विनीता के बीच में कौन बैठी है, ये बैठी है रूपाली, रूपाली को बैठा दिया, तो आपसे ये कहा गया है, बताइएगा पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो भी पंक्ति के दूसरे छोर पर, तो जाहिर सी बात है, और कुछ इसमें बोल रहा है सर, दूसरे छोर पर कौन बैठा है, दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा विनीता और क्या हीमा आंसर है, विनीता और हीमा में केवल एक आंसर है विनीता, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विनीता, ठीक है, पंक्ति के अगर, अच्छा पंक्ति के एक छोर पर अगर बैठी है हीमा तो दूसरे छोर पर कौन बैठेगा, विनीता बैठेगी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें,
इनमें सबसे डिफरेंट क्या होगा, चारों में अलग छांटना है। अगर ये 20 में से दो घटा दे 22 आ जाएगा, और 20 में दो जोड़ा 22, 22 में दो जोड़ा 24, 24 में दो जोड़ा 26। अगर 18 में एक जोड़ा 19, 19 में एक जोड़ा 20, 20 में एक जोड़ा 21। अगर 10 में चार जोड़ा 14, 10 चार जोड़ा 14, 14 में तीन जोड़ा 17, 17 में दो जोड़ा 19। अच्छा, एक में तीन जोड़ा 4, 4 में तीन जोड़ा 7, 7 में तीन जोड़ा 10। बच्चों ये सभी दो दो जोड़ रहे हैं, ये सभी एक एक जोड़ रहे हैं, ये सभी तीन तीन जोड़ रहे हैं, जबकि ये क्या है, ये सर कभी तीन कभी दो कभी चार। इसलिए सबसे हटके क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेस बराबर 591 लिखा गया है। अच्छा देखो, सोचने वाली बात है, स्पेस बराबर 591, यहां पे आप लोग बोल रहे हो 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 हो गया, ठीक है 5। यहां पर 1 2 3 4 5 है, यहां पे 6 हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा देखिएगा, यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पे मीन है 4, तो यहां पे लिखोगे 4। अब देखो किसी और, अरे सारे में सभी में 4 आ रहा है। अब एक काम करो, स्पेस को भाई जोड़ो, क्या 91 आ रहा है, तो एस बराबर 19 होता है। देखो भाई क्या किया गया, ये तो 4 हो गया, अब काम करते हैं, यहां पे 91 कैसे आया। एस बराबर हो गया आप लोग का 19, पी बराबर हो जाएगा 16, ए बराबर 1, सी बराबर 3 और ई बराबर 5, इन सबको जोड़ना है। तो अगर हम बात करते हैं स्पेस, 16 3 19 19 19 38 38 1 39 39 40 44, अरे ये तो 44 आ रहा भाई जोड़ने पर। यानी अब एक काम करो, इसका अपोजिट कर दिया जाए। अगर अपोजिट करेंगे तो एस का अपोजिट एच बराबर 8, पी का अपोजिट के बराबर 11, ए का जेड बराबर 26, सी का होता है एक्स बराबर 24, ई का होता है वी बराबर 22। जरा जोड़ कर देख लो भाई क्या आएगा। तो आपने बोला सर 26 और 24, ये तो 50 हो गया, ठीक है। 5 3 8, यानी ये हो गया कितना, 80 और 11 91, बिल्कुल से अपोजिट करके ऐड करना है। तो एम का अपोजिट हो जाएगा एन, एन बराबर 14, ठीक है। ई बराबर ई का अपोजिट वी यानी 22, यहां पे होगा ए का अपोजिट जेड यानी 26, और एन का हो जाएगा एम बराबर 13। सबको जोड़ते हैं, 13 3 26 33 39, ठीक है, 26 और 13 39 39, और ध्यान दीजिएगा भाई 39, ठीक है 39 39 में अगर 22 जोड़ोगे तो 40 20 60 61 61 में अगर 64 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई। अगर 61 में 64 जोड़ते हैं, इसको डायरेक्टली और कुछ काम करें जिससे छोटा हो जाए, 76 41 40 20 60 61 61 71 और 71 में 4 जोड़ेंगे 75 475, ठीक है भाई 475। अरे एक बार फिर से काउंटिंग करें क्या, 4 2 6 6 12 3 15, ठीक है, 1 11 2 1 3 2 5 1 6 और यहां पर 1 7, 75 बिल्कुल राइट आंसर सी, 475 आंसर आएगा। और ये कंप्लीट हुए आज के 25 क्वेश्चन।